रे कमल जिसे को मलने तो एकदम आंसू भरे आए, कमल जिसे को मलने तो एकदम आंसू भरे आए। सही आनंद हो जिसे को मलने तो एकदम आंसू भरे आए, कमल जिसे को मलने तो एकदम आंसू भरे आए। चरणों में सर कहने लगे, अपने हाथों पांव पखारे चरणों में सर धरने लगे। भाई दोनों साथ रहे गुरुकुल में हाँ। अलहदा रहने लगे, तट से भी डटते कोन्या ऐसे प्रेम के आंसू बहने लगे, तट से भी डटते कोन्या प्रेम के आंसू बहने लगे। भाई किस तरिया एकदम आंसू भरे आए, कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। अपने मित्र को अपने सिंहासन पर बिठाया और अपनी धर्म पत्नी रुक्मणी को आदेश दे देते हैं कि मेरा मित्र काफी अरसे के बाद मुझसे मुलाकात करने के लिए आया है। महारानी रुक्मणी आरती का थार लेकर के भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़ी हुई हैं और सुदामा जी का किस प्रकार से आरती किया जा रहा है क्या सुदामा का पूजन खुद कृष्ण जी ने आप करया, यार सुदामा का पूजन खुद कृष्ण जी ने आप करया। वो रुक्मण चरण धुलारी थी न्यू सबके मन में उमंग भरया, अतिथि सत्कार करणिया भव सागर से पार तरया, अतिथि सत्कार करणिया भव सागर से पार तरया। जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरे आए। सुनते हैं वो रागिणी के एक एक शब्द को बड़ी गौर पूर्वक सुन रहे हैं। सजना तीसरी बात के माध्यम से कभी ने जिक्र करा, भगवान श्री कृष्ण मन ही मन उस समय को याद करने लगे जब एक समय का जिक्र कि उनके गुरु महाराज ने अपने दोनों शिष्यों को आदेश दिया
कि अगर श्याम का भोजन करना चाहते हो तो जाकर के कुटिया के लिए कुछ लकड़ी गो से इकट्ठे करके लाओ तो श्याम के भोजन का प्रबंध हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा बचपन के सखा है, बियाबान जंगल में लकड़ी लेने के लिए गए, लेकिन परमपिता परमात्मा का करना ऐसा हुआ, अंधियारी छा जाती है, किस प्रकार मूसलाधार बारिश हुई और एक कवि ने लिखा थी भाई लकड़ी लेने गए जंगल में होके दोनों प्यार सखा, लकड़ी लेने गए जंगल में होके दोनों प्यार सखा। भई रात अंधेरी सर पे छगी मैं बरसा मूसलधार सखा, अपने घर से मेरी खातिर क्या लाए उपहार सखा, अपने घर से मेरी खातिर क्या लाए उपहार सखा। खाली हाथ साथ में कुछ ना, खाली हाथ साथ में कुछ ना, एक ध्यान धरियाए कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आस भरे आए, कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आस भरे आए। तांडुल के रसन ने प्रेम से खावन लागे, छीन लिए तांडुल के रसन ने प्रेम से खावन लागे। भाई आपस में था प्यार घना, हंस हंस बतलावन लागे, अंतपुर के वासी सारे मंगल गावन लागे, अंतपुर के वासी सारे मंगल गावन लागे। जगन्नाथ ऐसी खुशी हुई, श्री जगन्नाथ ऐसी खुशी हुई, द्वारिका में हरि आए कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आस भरे आए, कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आस भरे आए। अरे आनंद होने लगे काया में, आनंद होने लगे काया में, ब्रह्मण देव नजर आए कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आस भरे आए, कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आस भरे आए। आइए भाई बिशन मासे जी।